जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, राहुल जी की जो भारत जोड़ो है वो यात्रा खत्म हुई, विकास यात्रा की आवश्यकता 15 साल के विकास के बाद क्यों? एक सुनने में आया है कि कोई रोड भी बनने वाला है पूरे जो हमारे जिले के नगर है उनको जोड़ने के लिए, किस तरह का रोड है? मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने वोटरों को साधने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए समय को भांपते हुए इस बार प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को साधने के लिए विकास यात्रा के सहारे जनता तक अपनी पैठ बढ़ाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पूरे प्रदेश में विकास यात्रा 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक 20 दिन के लिए चलाई जा रही है। इस विकास यात्रा में प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र हितग्राहियों के बीच प्रदेश के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। इसी को लेकर आज नगर सुहागपुर में प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारियों साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विकास यात्रा की पूरी जानकारी विस्तार से बताई गई। कार्यक्रम में भाजपा संभाग प्रभारी पंकज जोशी, जिला प्रभारी सीमा सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, भाजपा जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक ठाकुर विजय पाल, नगर अध्यक्ष लता पटेल, एसडीएम अखिल राठौर सहित प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित। विधायक ठाकुर विजय पाल सिंह ने सभी अधिकारी कर्मचारियों उपस्थित नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में विकास यात्रा में शामिल हो, साथ ही पात्र उम्मीदवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाएं। विकास यात्रा मुख्य रूप से इसीलिए है कि हमारी सरकारों ने विकास किया है, इसलिए हम विकास यात्रा निकाल रहे हैं। सीधी सी बात है, हमने प्रदेश की सरकारों ने विकास किया है, केंद्र की सरकार ने विकास किया है, इसलिए हम विकास कर रहे हैं। और इस विधानसभा के विधायक जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछा है, ऐतिहासिक जाल बिछा है, उनका सम्मान हुआ इसके लिए प्रदेश के अंदर। तो निश्चित रूप से हमको अधिकार है कि हम जनता में जाएं और गर्व के साथ में जनता जनार्दन को निवेदन करें कि हमने आपके लिए अगर इतना काम किया है तो हमको अधिकार है कि हम जनता जनार्दन में जाकर के अपने विकास कार्यों का उल्लेख करें, उनको बताएं, उनसे निवेदन करें और आने वाले समय के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, इसके लिए विकास यात्राएं हैं। चुनाव भले ही साल के अंत में है लेकिन हलचलें शुरू हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में। इस वक्त मैं हूं विधानसभा सुहागपुर में और मेरे साथ हैं क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले के दमदार विधायकों में से एक विजय पाल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवी टीवी में। जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, राहुल जी की जो भारत जोड़ो है वो यात्रा ख़त्म हुई, विकास यात्रा की आवश्यकता 15 साल के विकास के बाद क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो जिस दिन चुनाव होते हैं उसके दूसरे दिन से ही विकास के कार्य को लेकर जनता के बीच में जाने का काम करती है। हम निरंतर काम की यात्रा निकालते रहते हैं, विकास यात्रा निकालते रहते हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि चुनाव आ रहा है तो ही हम विकास यात्रा निकालेंगे। हमारी ये यात्राएँ निरंतर चलती हैं और निरंतर क्षेत्र में हम दौरा करते हैं और काम करते हैं। सर, अगर विकास यात्रा की हम चर्चा करें तो किस तरह का इसका रोड मैप होगा, किस तरह का आपका प्लान है? मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गांव-गांव में गरीबों के लिए, कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए जो कार्य किए, उस यात्रा को ले जनता के बीच में हम जाएंगे और जनता को ये सारी चीज़ें बताएंगे। कहीं कोई काम हमसे छूट गया है, कोई गरीबी रेखा में नाम जोड़ने से छूट गया है, किसी की पात्रता पर्ची नहीं बनी है, किसी की बेटी लाडली लक्ष्मी नहीं बनी, किसी को और कोई आयुष्मान कार्ड नहीं बना, इस तरह की कोई चीज़ और बीच में आएगी तो उसको पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जिला आयुष्मान कार्ड को लेके, संबल कार्ड को लेके और गरीबी रेखा कार्ड को लेके नंबर वन पे पहले भी आया और अभी भी है, और कोई चीज़ छूटा है तो उसको पूरा करने का हम काम करेंगे। विधानसभा कहाँ पीछे छूट रह रही है सर, जिसके कारण और अभी आपको ये उम्मीद है कि हम यहाँ पर काम करेंगे तो और ज़्यादा हमारे जो हितग्राही हैं वो लाभान्वित होंगे? देखिए, अब तो हमारा संकल्प है कि हम रोड से मुक्त हो गए हैं, बिजली विभाग से बिजली की व्यवस्था हम पूर्ण कर चुके हैं और कुछ सब स्टेशन उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं। अब मेरा एक लक्ष्य है, जो हमने मुहासा में एक उद्योग की स्थापना करने की प्राथमिकता रखी है, हम उद्योग की स्थापना करेंगे और हम नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। सर, अभी एक सुनने में आया है कि कोई रोड भी बनने वाला है पूरे जो हमारे ज़िले के नगर है उनको जोड़ने के लिए, किस तरह का रोड है? देखिए, मैं बात कैसे करूँ, कांग्रेस के लोगों ने कुछ किया है तो कभी है ही नहीं जीवन में। मैं जब इस विधानसभा में आया था तो गांव इस क्षेत्र में कोई सड़क नहीं थी, पैदल चलकर मैं गांव-गांव पहुंचा था। आज मैं पैदल नहीं, मैं साइकिल से भी हर गांव
जा सकता हूँ, ऐसी सड़कों का जाल मैंने बिछाने का काम किया है। आप संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश में देख रहे होंगे कि 4 लाइन के माध्यम से हमने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। हमारा कुछ बीच का पैच जो हमारे नर्मदापुरम से लेके और जबलपुर के बीच में कुछ छूटा था कि ये 4 लाइन से जुड़ जाए, माननीय सांसद जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने, मैंने और हमारे ठाकुरदास नागवंशी जी ने प्रयास किया और उस प्रयास का फ़ायदा हमको ये मिला कि पहले हमारी 10 मीटर की चौड़ी रोड बनने वाली थी, उसकी स्वीकृति हो गई थी, उसके टेंडर हो गए थे, उसके बरकाडर हो गए थे। हमने उस चीज़ को रोक कर हमने कहा कि नहीं, 10 मीटर की रोड अब हमको नहीं चाहिए, हमको अब 4 लाइन चाहिए और शहरों को बाईपास करते हुए हमको सड़क चाहिए। तो हमारे प्रदेश के असम मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने हम तीनों चौरों की बात सुनकर तत्काल हमको स्वीकृति दी और उसका सर्वे का काम प्रारंभ करा दिया है। और नर्मदापुरम से यानी नर्मदापुरम से माखन नगर तक तो 4 लाइन बनी रही, तवाबुल पर 2 4 लाइन के ब्रिज बनी रहे, पहले से स्वीकृत हो गए थे और उनका काम भी मुझे लगता है कि 1-2 महीने में प्रारंभ हो जाएगा, उसके टेंडर भी हो चुके हैं। लेकिन माखन नगर से लेकर बनखड़ी तक फिर हम 4 लेन बनाने वाले हैं, उसका सर्वे का काम प्रारंभ है और मुझे उम्मीद है कि चुनाव के पहले पहले हो सकता है उसकी हम आधारशिला रखेंगे। रेल पे आना चाहूँगा, रेल से थोड़ी क्षेत्रवासियों को निराशा है, जो उम्मीद थी कि ये सबसे पुराना नगर है, यहाँ पर स्टेशन भी थोड़ी सी अच्छी हो, मढ़ई पर्यटन क्षेत्र है, रेल के क्षेत्र में क्या प्रयास रहेंगे आपके, चूँकि वहाँ पर विकास की काफ़ी ज़्यादा संभावना है अभी? देखिए, हमारे सांसद जी ने अभी रेलवे स्टेशन के लिए भी जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृति प्रदान की है और जल्दी से जल्दी हमारा सुहागपुर का रेलवे स्टेशन भी सुंदर और भव्य बनेगा, अच्छा बनेगा, उसकी व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। रेल स्टॉपेज की भी मांग चल रही है। देखिए, रेल स्टॉपेज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी जाकर यहाँ पर 1-2 रेलवे का स्टॉपेज हुआ है। आगे भी भविष्य में हम निरंतर प्रयासरत हैं, क्योंकि रेल का रुकने का व्यवस्था तभी होती जब वहाँ के उपभोक्ता यानी टिकट के ऊपर रेल रुकने की व्यवस्था बनती है, उसमें कहीं ना कहीं कोई अंतर आ रहा है, उस अंतर की पूर्ति करते हुए और हम शीघ्र से कोई एक रेल रुकवाने का काम माननीय सांसद जी के माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका महत्वपूर्ण समय दिया। हमारे साथ विधानसभा के विधायक विजय पाल सिंह जी हैं, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत ही सहज तरीके से दिया। साथ ही ये क्षेत्र के लिए, पूरे ज़िले के लिए अच्छी खबर है कि मुख्यतः इस ज़िले में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सड़क की है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर सड़क देखने को मिलेगी साथ, लेकिन यहाँ पर विपक्ष दल जो कि कांग्रेस है उसके लिए फिर से एक चिंता का सवाल, यहाँ पर चिंता का विषय हो गया है कि कहीं ना कहीं वो वोटर के पास कैसे जाएंगे, क्या उनका उद्देश्य रहेगा, कैसे अपनी पार्टी को जोड़ेंगे। ये विकास यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए एक चिंता का विषय जरूर हो सकती है। आप देख रहे हैं NBTV, संजय वैष्णव की रिपोर्ट सुहागपुर नगर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।